हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मेरा अगला वीडियो होगा मेरा पूजा रूम टूर के ऊपर। मेरे पुराने व्यूअर्स ने मेरा जो पूजा रूम का पहला लुक था वो तो जरूर देखा होगा, बट आई थिंक जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए पूरा नया ही है। तो सेम रूम को मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, लाइटर कलर्स दिए हैं वॉल्स में और कुछ मार्बल भी लगाया है, फ्लोर भी आप देख रहे हो चेंज किया है। कुछ छोटे मोटे चेंजेस के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है न्यू लुक ऑफ माय पूजा रूम। और मुझे बहुत ही मन था कि जब मैं अपना खुद का फ्लैट लूं तो जिस तरह से हम सभी के फैमिली मेंबर्स के अलग अलग रूम होते हैं, वैसे प्रॉपर एक पूजा रूम भी हो मेरे सारे भगवान के लिए। ये अब करते हैं पूजा रूम का टूर स्टार्ट एंड आई होप आपको मेरा ये नया पूजा रूम अच्छा लगेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भगवान को भोग लगाते हुए। तो यहाँ पे मैं आज उनको खीर चढ़ाऊंगी प्रसाद के फॉर्म में। तो इसके लिए यहाँ पे जो मेरे पास सिल्वर के यूटेंसिल्स हैं उनको मैं क्लीन कर रही थी। तो अब मेरा जैसे बहुत ही काला पड़ गया था बर्तन, तो इसीलिए वजह से मैंने इसको रात को ही कोल्ड ड्रिंक में डुबो के रख दिया है। तो आपके पास कोई भी सिल्वर के अगर आइटम्स हो उनको आप इस तरह से कोल्ड ड्रिंक में 4-5 घंटा या ओवरनाइट अगर डिप करके रखते हो तो उनको क्लीन करना बहुत ही इजी हो जाता है। तो क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा ही काला पड़ गया था इसलिए मैं इसको हल्का सा साबुन के साथ एक स्क्रब के साथ रब कर ले रही हूँ। बट इनकेस अगर आपका ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है तो ये प्रोसीजर भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट सिंपली आप इसको 7-8 घंटे डुबो के रख दो, नेक्स्ट डे आप निकालो एकदम सफ़ेद चमकदार होकर निकलता है। तो मेरे को काफ़ी दिन हो गए थे इनको क्लीन किए हुए इसलिए कुछ ज़्यादा ही काला पड़ गया था। इसलिए अब आप देखो जैसे मैंने उसको हल्का सा साबुन के साथ स्क्रब किया तो बिल्कुल नया और चमकदार बन गया है। तो यहाँ पे मैंने फूल और प्रसाद चढ़ा दिया है और अब शुरू करते हैं पूजा रूम टूर। पूरे घर में इस तरह से मेरे वाइट मार्बल के फ्लोरिंग है, बट पूजा रूम के लिए मैंने थोड़ा सा अलग फ्लोरिंग सिलेक्ट किया है। तो ये मैंने मोरक्कन स्टाइल टाइल्स लगवाए हैं क्योंकि मुझे लगा था कि क्योंकि ये भगवान का रूम है तो थोड़ा सा उसको एलिवेट करने थोड़ा सा स्पेशल ज़रूर बनाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने पूरे फ्लोर में मोरक्कन टाइल्स लगवाए हैं। आसन के पीछे वाले जितने भी वॉल एरिया है वहाँ पे मैंने इस तरह से मार्बल फिनिश के टाइल्स लगाए हैं, बड़े वाले टाइल्स 2x4, और बीच में जो आप गोल्डन पट्टी देख रहे हो वो भी एक तरह का टाइल्स ही है। मोनोटोनी ऑफ द वाइट टाइल्स को ब्रेक करने के लिए इस तरह से मैंने गोल्डन स्ट्रिप के टाइल्स भी बीच बीच में लगाया है। छत को मैंने फॉल्स सीलिंग से कवर किया है और इस तरह से दो मैंने ब्रास के बेल्स लगवाए हैं दोनों तरफ, और लाइट्स में डाउन लाइटर्स लगाए हैं 4 और बीच में है एक शैंडेलर।
राइट हैंड साइड वॉल में लगाया है वॉल फैन, जिससे कि प्रे करते वक्त या मेडिटेट करते वक्त गर्मी ना लगे। और जितने भी डाउन लाइट्स हैं या फिर जो शैंडेलियर भी है, उसमें तीन तरह के लाइट्स हैं, कूल वाइट, वार्म वाइट एंड नेचुरल वाइट। तो जैसा भी मन हो आप अलग अलग कलर के लाइट अपने मूड या मन के हिसाब से जला सकते हो। और ये जो आसन है भगवान का, वो बेसिकली एक वुडन कैबिनेट मैंने बनवाया है, जिसके ऊपर मैंने एक येलो कलर का कॉटन का दुपट्टा स्प्रेड करके फिर उसके ऊपर भगवान को विराजमान किया है। तो ये जो वुडन कैबिनेट है, ये इसमें मेनली सारे ही पूजा रिलेटेड ही आइटम्स मैं स्टोर करके रखती हूँ। हम यही आशा कर सकते हैं कि हमारे इस पूजा रूम में जितने भी मेरे भगवान हैं, वो हमारे लाइफ को एकदम सुख समृद्धि और शांति से भरपूर रखे और हम तीनों का लाइफ और हेल्थ अच्छा रहे। और सिर्फ हमारा ही नहीं, मेरे YouTube फैमिली के भी लाइफ को हमेशा अच्छा रखे, हेल्दी रखे और हम लोग सब खुशहाल से अपना जिंदगी व्यतीत कर पाए। तो यही उम्मीद के साथ करूंगी आज का ये वीडियो एंड। होपफुली आपको मेरा ये पूजा रूम टूर अच्छा लगा होगा। तो मिलूंगी फिर बहुत ही जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।